और अब अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां जाना बाजार हैदरगंज थाने में पहुंचे सामाजिक संगठनों व विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों युवाओं ने धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर मोर्चा खोल दिया और धर्मांतरण करने वालों पर सख्त कार्यवाही की मांग करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए हैदरगंज पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई और घटना स्थल पर पहुंचकर राम केवल बनराजा साथ कई लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। इस दौरान उपस्थित युवाओं ने पकड़े गए लोगों पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे सिर्फ प्रार्थना व सत्संग कर रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है। रविवार को हैदरगंज थाना क्षेत्र के दर्जनों युवा शक्ति संगठन के विक्रम सिंह, पंकज वर्मा, आशु तिवारी, प्रिंस सिंह, संदीप विश्वकर्मा, संतोष पांडे, रामचंद्र यादव सहित विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला संयोजक ब्रिजेंद्र दुबे के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने बैठकर थाना क्षेत्र में पछियाना ग्राम सभा अंतर्गत बड़ी इंति निवासी राम केवल क्रिश्चियन सहित अज्ञात बाहरी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवाओं ने हैदरगंज थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बड़ी इंति गांव में बड़े पैमाने पर गरीब तबके के हिंदू युवाओं, महिलाओं और बच्चियों को झाड़ फूंक व धन का लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, जिसकी कई बार सामाजिक व हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया था। विरोध के बावजूद भी आज तक इस मामले में कार्यवाही नहीं हो सकी, जिसके चलते धर्म परिवर्तन का खेल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हैदरगंज थाने के उप निरीक्षक राजकुमार यादव अपनी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर राम केवल बनराजा सहित दो अज्ञात लोगों को थाने ले आए। वहीं मौके पर पहुंचे युवक मनदीप तिवारी निवासी मनियारपुर जाना बाजार ने अपने साथ लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप राम केवल पर लगाते हुए अलग से शिकायती पत्र दे दिया। आरोपी राम केवल ने बताया कि वह सिर्फ प्रभु यीशु की प्रार्थना करता है, उसने किसी को भी अभी तक धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक हैदरगंज अशोक कुमार यादव ने बताया कि युवाओं से शिकायती पत्र लेकर इस मामले में जांच की कार्यवाही की जा रही है तथा सोमवार को क्षेत्राधिकारी बीकापुर भी थाना हैदरगंज पहुंचकर गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर FIR दर्ज कराने के आदेश पर मुकदमा लिखकर जेल भेजा गया। आइए देखते हैं विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। बजरंग दल का पूर्व जिला संयोजक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का पदाधिकारी भी हूँ। मुझे 2016 से कई बार जो है जाना बाजार के आसपास ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात सामने आई। आज हम सब लोगों ने पहुँच करके इंती, जो कि बछियाना ग्राम सभा का एक मजरा है, इंती में हम लोग पहुँचे। वहाँ पर ईसाई मिशनरी के लोग जो है जौनपुर से और दूर दराज से लोग आ करके धर्म परिवर्तन का काम करा रहे थे। इसी क्रम में जाने बाजार के ही पास का एक लड़का है मनदीप तिवारी, इसको कुछ समस्या थी। ये अपनी समस्या के साथ वहाँ गया था, किसी ने बताया था कि वहाँ आप जाओगे तो वहाँ ठीक हो जाओगे, वहाँ आपकी समस्या का हल हो जाएगा। इस लड़के ने वहाँ अपनी पारिवारिक समस्या लेकर के गया और इसको जो है वहाँ के जो लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कराने काम करते हैं, इस बच्चे को उन्होंने 10,000 रुपये और मोबाइल का प्रलोभन दिया और कहा कि आप ईसा मसीह के जो है शरण में आ जाइए, आप ईसाई धर्म कबूल कर लीजिए, अपना लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी सभी समस्याओं से दूर हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के लोग हों, जो लोग समाज में हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार नीति बना करके कार्रवाई करने का काम कर रही है और हम सभी लोग मिल करके जो है ऐसे समाज में होने वाले ऐसे जो क्रिश्चियन मिशनरियां और मुस्लिमों के उलेमाओं की जो बातें कह करके प्रलोभन दे करके जो धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा है, हम सभी समाज के लोग मिल करके शासन के साथ कदम से कदम मिला करके ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कठिन कार्रवाई कराने के लिए शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। और यही नहीं, अगर ये मामला यहाँ पर नहीं जो है मैनेज हुआ, इस मामले को रोक नहीं की गई, तो ऐसे में हम सभी को, हम सभी युवाओं को, हम सभी बजरंग दल विश्व परिषद और विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को रोड पर आ करके जो है इस पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी और हम सब लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि जहाँ पर धर्म और राष्ट्र सुरक्षित नहीं है उसके खिलाफ हम सभी लोग एक साथ हैं और इसको ऐसे आतताइयों को, ऐसे लोगों के मंसूबों को फेल करेंगे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने के लिए हम मुस्तैद रहेंगे। इसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करेंगे।